अस्सलाम वालेकुम, आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और लोगों से करेंगे मज़े मज़े के सवालात और उनसे जानेंगे उनके जवाबात और देखेंगे कि उनकी दिमाग की बत्ती ऑन है या फिर ऑफ। आइए, यहाँ पे एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। क्या नाम है आपका? बिलाल शेख। यहाँ पे क्या करते हैं आप? मेरा ये कपड़े का काम है। क्या काम है सर? मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, आप शादीशुदा हैं पहले तो ये बताएं। नहीं। अच्छा, नहीं शादीशुदा। आपको पता है इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि आप कितनी शादियाँ करेंगे? 2 तो करेंगे। 2 तो करेंगे। मौलवी हैं? नहीं, मौलवी की बात नहीं है, 2 तो करनी चाहिए इंसान को। क्यों? 3 तो होनी चाहिए। हाँ, फिर चौथी का बाद में सोचेंगे। हाँ, चौथी का फिर बाद में सोचेंगे। एक होगी ना तो फिर आगे फिर 2, 3, 4 सारी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अभी आपकी कोई भी शादी नहीं हुई ना, तभी आपका ये रद्द अमल है। बाद में सोचेंगे, करने के बाद सोचेंगे। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। चलें, शुक्रिया। आइए किसी और से जानते हैं। जी, जानते हैं एक और कपल से सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। अस्सलाम। सारा। सारा, कितनी देर हुई है शादी को? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स। सर आपसे क्वेश्चन है, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। आपको पता है इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो क्या ख्याल है आपका, शादी आगे करेंगे? नहीं, एक्चुअली 4 शादियों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और अगर आप एक से सेटिस्फाइड हैं और आप कंफर्टेबल हैं, तो आई थिंक सो आपको ज़रूरत नहीं है दूसरी और तीसरी शादी की। ये क्या आप अपनी मिसेज से डर के तो नहीं कह रहे? नहीं, आपको लग रहा तो आई थिंक सो देखने वालों को नहीं लग रहा हो कि मैं डर रहा हूँ। खुशी का मतलब ये तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उकता गए हैं? नहीं, एक्चुअली देखें, अभी आजकल काफ़ी ट्रेंड है दूसरी तीसरी शादी का, उसके अंदर मोस्टली देखें उसमें एक तरफ वाइफ का भी कुछ होता है, अगर वो आप में इंटरेस्ट नहीं है या आपकी टेक केयर नहीं करे, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग जाते हैं दूसरी शादी की तरफ। और दूसरा कुछ आदमियों पर भी आता है कि वो भी उसमें आप यही कह सकते हैं कि लालच है, और क्योंकि देखें उसमें अगर आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखें तो उसमें मुख्तलिफ तरह से इसकी इजाज़त है, और अगर आप हर एक ने इस्लाम के अंदर 4 शादियां नहीं की, बट वो एक हमारे लिए एक था कि एक मैसेज है कि आप कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, बट अदरवाइज़ इट्स नॉट नेसेसरी। इसके अलावा भी इस्लाम में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको फुलफ़िल करने हैं, सिर्फ ये 4 शादियों का ही नहीं है। खुश है मुझसे, इसका मतलब ये काफ़ी खुश है मुझसे। ओके, चले आपसे पूछते, दिमाग की बत्ती ऑन है दोनों? ऑन शादी के बाद ऑन हो जाती है? हाँ, शादी के बाद लाजमी ऑन। मैंने तो सुने लोगों की ऑफ हो जाती है, आपकी ऑन? नहीं, ऑफ होती है पहले, शादी के बाद ऑन हो जाती है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2 मरतबा मिलती है और 3री बार खरीदनी पड़ती है? मतलब कुदरत की तरफ से 2 मरतबा मिल जाती है, हिंट दे रही हूँ, सवाल पर गौर कीजिएगा, और 3री मरतबा खरीदनी पड़ती है। कुदरत की तरफ से मिलती है, 2 मरतबा मिल जाती है जिंदगी। नहीं, बीवी भी एक दफ़ा मिलती है और लाइफ जिंदगी भी एक दफ़ा। बीवी एक दफ़ा नहीं मिलती, 4 शादियां भी कर सकते हैं आप। नहीं तो वो 4ों दफ़ा, वो तो वैसे भी आपको हर दफ़ा एक किस्म से उसका करना पड़ता है। सोचे सोचे। 2 दफ़ा आपको मिल जाती है कुदरत की तरफ से, और 3री दफ़ा आपको खरीदनी मतलब परचेज करनी पड़ती है। कुछ आपको एक्सचेंज है या क्या है, किस तरह से सवाल का हिंट होना चाहिए ना इसमें? हिंट मैं दे रही हूँ, सब काफ़ी डीप नहीं, हिंट मैं दे रही हूँ, क्वेश्चन पे गौर कीजिए। कुदरत का फैक्टर, दूसरा आप कह रही हैं परचेज करना। आपके दिमाग में ना कोई भी क्वेश्चन है आप बता सकते हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे देखें कुदरत की तरफ से जो मिलता है उसमें मुझे एक तो औलाद आ गई, औलाद की नेमत आ गई, फिर आपको ज़िंदगी मिलती है एक दफ़ा। औलाद तो आप जितनी मर्जी इकट्ठी कर लें, लेकिन वो सिर्फ 2 मरतबा। आप कह रहे हैं ना 3री दफ़ा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको वो खरीदनी पड़ती है, परचेज़ करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज। परचेज आप 3री दफ़ा, 4थी दफ़ा कर लें, 5वीं दफ़ा कर लें, पर 2 मरतबा मिलती है सिर्फ 2 मरतबा, और वो कुदरती तौर पर मिलती है हमें। कुदरती तौर पर लाजमी है, हर एक को मिलती है, लाजमी है, सबको ही मिलती है। जेंडर का भी है, कोई मेल फीमेल का, सबको मिलती है और 2 दफ़ा मिलती है। हाँ जी। ओके, कुदरत की तरफ। आप बताएं। नहीं, आपके शोहर की दिमाग की बत्ती जितनी ऑन थी ना, हमने देख लिया, आपने ऑफ रखी हुई, आप बताएं। नहीं, मेरी भी ऑन नहीं है। सोचे बहुत इजी है, एज बच्चों में भी आ रही है, आ चुकी है शायद। सोचे सोचे। नहीं,
आई थिंक अब जल्दी बच्चों में हो रही है, 5 साल के बच्चे नहीं, नहीं, नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं एक्चुअली अभी यार एक इजी सी हिंट दे रही हूँ, दर्द भी होती है जब शुरू शुरू में 2 दफ़ा मिलती है। अकलदार बत एग्जैक्टली दिमाग की बत्ती काफी देर बाद ऑन हुई है। नहीं आप देखे ना, आपने हिंट दिया कुदर चले, अब क्वेश्चन का ट्रैक देखे ना किधर। मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स दिए हैं, आपको पता है। नहीं नहीं वो अभी चले सर अपने लिए कहा है ना, तब थोड़ा सा आइडिया। एक दफा देखे ना 5-6 साल के बाद उनके दांत आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा एक दफा आपको निकल के। ठीक है चले भैया अपने लिए क्लैपिंग कर दें। अच्छा खुद ही करनी है जो खड़े हैं ना, नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कप्पल हमारे साथ मौजूद था। आइए लोगों से और क्वेश्चन करते हैं, उनसे देखते हैं कि उनकी दिमाग की बत्ती कितनी ऑन है। एक नौजवान से हम जानते हैं सवाल का जवाब और इनसे पूछते हैं और इनके जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जिशान। डॉक्टर साहेब आपके दिमाग की बत्ती ऑन है या ऑफ है? 50-50 है। 50-50 है। पहले तो आप ये बताएं आप मैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी शादियां? एक ही शादी करते हैं इंसान। इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, तो आपका क्या ख्याल है मज़ीद कितनी शादियां करें? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक करनी चाहिए, अगर आप एक भी अफोर्ड नहीं करते तो वो भी ना करें। अफोर्ड क्या कर सकते हैं, अखराजात या बीवी? दोनों। दोनों दोनों मतलब आप अपनी शादी से खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसा सोचा नहीं है? नेवर। मेरी बिसेस सुन लेगी तो फिर मैं घर से निकाला जाऊँ। मतलब आप डर रहे हैं अपनी बीवी? कौन नहीं डरता मुझे बताएं। अच्छा समझे, कैमरा ऑफ है और जो सच्ची बात है वो बता दें। डरते सब हैं, बताता कोई नहीं। मतलब आप डर के कह रहे हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना? ऐसा ही है। दिल तो करता है वैसे। क्या कह दिए सर? दिल करता है। चलिए सर आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते हैं, जो मिर्च ग्रीन चिली मुँह से ज़्यादा कहाँ लगती है? सॉरी दोबारा। जो मिर्च होती है ना हरी मिर्च, वो मुंह के अलावा कहाँ लगती है? वो कहाँ लगती है? सोचे सोचे। ग्रीन चिली की बात कर रहे हैं? हाँ जी ग्रीन चिली की बात कर रहे। कहाँ लगती है वो? मतलब देसी कढ़ाइयों में लगती है? ओह नो। नहीं 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 नहीं, वो तो लगती है और भी कहीं लगती है, सोचे। इंसानों को लगती है? इंसानों को तो लगती है और सोचे ना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सर, दिमाग लड़ाएं, दिमाग की बत्ती ऑन करें, कोई भी आता है बोल ही जाए। मतलब ग्रीन चिली कहाँ लगती है? कढ़ाइयों में लगती है, इसके अलावा इंसानों में लगती है। इंसानों में लगती है, कोई ऐसी बात कर दे तो। रिश्तेदारों में लगती है? रिश्तेदारों में लगती है। और कहाँ लगती है? मियाँ बीवी में लगती है। और कहाँ लगती है? अगर मैं घर में एक दूसरी शादी की बात करूँगा तो फिर मुझे भी लगेंगी, उनको भी लगेंगी। एग्जैक्टली ऐसा तो है, लेकिन जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कुछ जवाब है। सोचें। सोचने पे क्या किया जा सकता है? सोचे सोचे कहाँ पर लगती है मिर्चें? कहाँ पे लगती है? कहाँ पे लग सकती है? दरख्तों पे लगती है। बिल्कुल ठीक, खेतों पे लगती है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, जहाँ वो डरे हुए थे वहाँ उन्होंने जवाब बिल्कुल ठीक दे दिया सवाल का। और आइए और लोगों से मज़ीद जानते हैं सवालों के जवाब और उनसे देखते हैं कि उनके दिमाग की बत्ती कितनी ऑन है और कितनी ऑफ। जानते हैं और लोगों से और उनसे पूछते हैं सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जंजुआ। यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैं फोटोकॉपियर के पास आया था। चले, ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी। क्या नाम है बेटा? बेटे पूरा नाम बताओ। शहजाद। पूरा? अच्छा। बाबा के साथ क्या करने आई हो? फोटो तो बनाने आई। कुछ आता है आपको? कोई पोइम आती है? सुनाओगी? वहाँ देख के सुनाओ। वो देखो अंकल तो। चलो सुनाओ। बोला मोटर का इसके नीचे पहिए चाबी से वो चलती है, वो 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 करती है, आगे जाए पीछे जाए टाइम आए वो मुझाए। वाओ थैंक यू, क्लैपिंग करो अपने लिए। जी सर आपके दिमाग की बत्ती ऑन है कि ऑफ है? पता नहीं जी आज। सर
आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपको पता है इस्लाम में चार शादियां जायज हैं जी। आप कितनी करेंगे? अभी एक शादी आप? अगर मेरी वाइफ टीवी नहीं देखेगी तो ज्यादा कर लूंगा, नहीं तो एक ही काफी है। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, मर्द खवातीन से डरते क्यों हैं अपनी बीवियों से खास करके? नहीं ऐसा नहीं है, सिस्टम चलाने के लिए मतलब डरना पड़ता है जी, वो बिल्कुल। मतलब आप चार शादियां करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है। मतलब आप कैमरे से डर गए हैं? नहीं नहीं, अगर जरूरत होगी तो कर लेंगे, जरूरत है नहीं। जरूरत है नहीं, अल्लाह का शुक्र। मतलब आप खुश हैं? आई एम सैटिस्फाइड जी। सच्ची बताएं जी? बहुत। चेहरे से लग नहीं रहा। नहीं अगर मौका मिला तो आप करेंगे? जरूर करूंगा जी। कितनी शादी है, कोई देखी हुई है नजर में? नहीं अल्लाह ना करे जी, नहीं मैंने। सर आपके दिमाग की बत्ती ऑन है? चले आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज है जो दो दफा मिलती है और तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है? दो दफा मिलती है तीसरी दफा? सोचे। सिर्फ दो दफा मिलती है, वो भी कुदरत की तरफ से। हिंट है, सवाल पे गौर कीजिएगा। सॉरी मेरा। चलिए ठीक है, आपसे कोई और क्वेश्चन करते हैं। जो हरी मिर्च है, ग्रीन चिली, वो आंखों के अलावा, मुंह के अलावा कहाँ लगती है? हर जगह लग जाती है जी, हाथ पे भी लग जाती है अगर काटे तो। सोचें। ये मिर्चा लग गई हैं, वो क्या उसको कहते हैं? हाँ जी, रिश्तेदारों को लग गई। बिल्कुल ऐसे है जी, रिश्तेदारों को लग गई। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आपकी सारी बातें ठीक है, रिश्तेदारों को भी मिर्चें लगती हैं, लेकिन वो लगती कहाँ है? मैं नालायक वाकया हूँ इस सिलसिले। आप जवाब दे सकते हैं, आप सोचें। हाँ जी, बहुत इजी है। आइस पे लग जाती हैं, हाथों पे लग जाती हैं। अच्छा, दो मर्तबा मिलती हैं, छः साल, पाँच साल, आजकल जो न्यू जनरेशन है उन्हें तीन साल, चार साल के बच्चों को भी वो अब हिंट है आपको कि मिल जाती है। चीज़ मिल जाती है। हाँ, और काफ़ी एज के बाद वो फिर खो जाती है या चली जाती है या टूट जाती है और फिर खरीदनी पड़ती है। मैंने बहुत सारी आपको हिंट दे दी है। दांत? एग्जैक्टली, क्लैपिंग करें। नहीं इतनी देर बाद बताया, क्लैपिंग बनती नहीं है। आपने बताया है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक और खूबसूरत कपल से जानते हैं सवाल का जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समन। आ जाए। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी सर आपके दिमाग की बत्ती ऑन है? इस वक्त गर्मी की वजह से थोड़ी सी डाउन। चलिए फिर मैं ना आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछती हूँ जैसे जबकि आपके दिमाग की बत्ती ऑन हो जाए, आप माइंड मत कीजिएगा। आपको पता है इस्लाम में चार शादियां जायज हैं, तो आप कितनी शादियां और करेंगे? तीन है, चार तो नहीं है। इस्लाम में चार शादियां जायज हैं शायद आप? ठीक है। तो क्या सोचा आपने, कितनी शादियां करेंगे? नहीं, मेरे लिए एक ही काफी है। ये खड़ी हैं तो इसलिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे वाकई इनकी गैर मौजूदगी में भी कहूंगा तो एक ही यही काफी है। मतलब काफी है, तंग है मतलब? नहीं नहीं, तंग नहीं हूँ, मैं ही काफी हूँ कह रही है ना। नहीं नहीं, मैं यही काफी है। कभी जिंदगी में ख्याल आया कि चलो दूसरी शादी? कॉलेज दौर में था लेकिन अब नहीं, सब कुछ खत्म हो के बस यही है। लव मैरिज है? नहीं, अरेंज। चले शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश हैं अपनी जिंदगी में। आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करूंगी, जो ग्रीन चिली होती है, हरी मिर्च, मुँह के अलावा कहाँ लगती है? मुँह के अलावा कहाँ लगती है? सोचे। ये बड़ा वियर्ड हो जाएगा। नहीं सोचे, बहुत ईजी है। मिर्च, सबज, इसके अलावा और कहाँ लगती है? वो तो है ना, मुँह के अलावा कहाँ लग? नहीं सोचे। मुँह के अलावा बाकी वो उगने के लिए लगती है खेत में। आपकी बीवी की दिमाग की बत्ती ऑन है। वेरी गुड। ये आपके बच्चे हैं? अस्सलाम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाँ। पोइम आती है? कोई पोइम? यस, रेड लाइट, रेड लाइट। यस। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बैठे नौजवानों को थोड़ा सा तंग करते हैं और देखते हैं उनके दिमाग की बत्ती कितनी ऑन है या ऑफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजमल। आपके दिमाग की बत्ती ऑन है? खा रहे हैं तो लगता है ऑन ही होगी, खाना खा रहे हैं।
Actually, we are international student here and we cannot speak Urdu. Okay. Try to kar sakte hain. Thoda thoda bol sakta hu, zyada nahi. Zyada nahi, thodi si kar lijiyega, theek hai? Islam mein char shaadiyan jaiz hain, aap kitni karenge? Sorry. दिमाग पर नजर बंदी तीन ठीक है तीन ठीक है मतलब अभी आपकी एक भी शादी नहीं हुई है नहीं मैं शादी शुदा ना हूँ ना हूँ शादी शुदा ना हूँ तो कितना करेगा शादी एक काफ़ी है एक काफ़ी है अभी तो बोला तीन करेगा वो मजाक कर मजाक किया था दिमाग की बत्ती ऑन है ओके वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुंह आंखों और हाथों के अलावा कहाँ लगती है सोए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुंह और कानों के अलावा हाथों के अलावा कहाँ लगती है आप बता दें चीज़ है चलिए मैं बता देती हूँ ग्रीन चिली है ठीक है वो हाथों में भी लगती है आपको पता होगा आँखों में भी लगती है और कहाँ लगती है कोई अभी कुछ सोचें सोचें यू कैन डू इट प्लीज सोचें वी आर नॉट एबल एक्चुअली टू गेट इट मतलब सही ओके 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 व्हाट यू आर ट्राइंग टू से वी कैन नॉट ट्रांसलेट व्हाट यू आर ट्राइंग ओके थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका मियां सरफराज सर आप शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे एक क्वेश्चन कितनी शादियां पहले तो ये बताएं कितनी शादियां मेरी अभी एक फिलहाल अभी एक है चलें आपसे एक सवाल करती हूँ आपको पता है इस्लाम में चार शादियां जायज़ हैं और आपका क्या ख्याल है कितनी शादियां करें इस जिस तरह का अब सिचुएशन चल रही है एक ही बहुत है सिचुएशन की वजह से means... चलें आप सोचें सिचुएशन नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप कितनी शादियाँ करें एक ही हो जाए ये बड़ी बात है उसी को निभा लें तो वो तो आप निभा ही रहे हैं हाँ जी तो मतलब आप तंग हो के कह रहे हैं तंग तो नहीं कह सकते लेकिन कह सकते एक अगर सही अगर एक ही हो जाए तो वही काफ़ी है सही हो जाए मतलब सही नहीं है नहीं सही है नहीं नहीं है तो सही मतलब मीन के ये अगर सही चलती रहे तो एक ही काफ़ी होती है चले एक सेकेंड के लिए आप सोचिए सब कुछ ठीक है कोई मसले मसाइल नहीं है किसी तरह से अखराजात के मसले नहीं है किसी चीज़ के मसले नहीं है और आपको मौका मिल रहा है कि आप दूसरी शादी करें तो आप कर लेंगे मेरा ख्याल है कि जो पहली वो दूसरा मौका कभी नहीं देगी अच्छा ये जवाब भी आप मुझे लगता है पहली के डर से दे रहे हैं नहीं डर तो नहीं ऐसे वैसे है कि मतलब अगर देखे ना कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ऐसा ही है मतलब दिल चाहता है नहीं पहली के डर से मना कर रहे हैं नहीं डर नहीं है लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग होती है ना अगर आपका पहला मामला अच्छे चल रहे हैं तो फिर क्यों ज़रूरत ही नहीं दूसरे की चलें बहुत बहुत शुक्रिया दूसरे सवाल का जवाब ये सबसे ये है कि ये प्योरिटी है बस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश हैं दिमाग की बत्ती आपकी ऑन है आपके ही कहने से और आपसे एक और सवाल पूछते हैं जनरल नॉलेज का वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सिर्फ दो बार मिलती है तीसरी मरतबा खरीदनी पड़ती है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दो दफ़ा चीज़ है वो खाने वाली चीज़ है हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन भी हो सकता सोचें 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 इतनी बड़ी हिंट दे दी है मैंने आपको दो दफ़ा मिलती है दूसरी हिंट दूँ दूसरी हिंट कोई दे दूँ कोशिश नहीं करेंगे आप मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा हिंट दे कुदरत की तरफ से दो मरतबा मिलती है ठीक है तीसरी मरतबा खरीदनी पड़ती है खरीदनी पड़ती है क्या ऐसा हो सकता है सोचें सोच तो रहा हूँ कोई दिमाग में कुछ आ रहे बोल दें कुछ गलत भी में आ नहीं रहा सोच तो रहा हूँ कि दो दफ़ा फ्री मिलती है तीसरी दफ़ा खरीदनी पड़ती है ऐसा क्या है सोचे 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 नहीं जेन में आ रहा दिमाग की बत्ती ऑन करें बत्तियाँ तो 24 घंटे चल रही होती लेकिन अब ये चीज़ जेन में आ नहीं रही है क्या है चलिए ठीक है आपसे कोई और क्वेश्चन मैं करती हूँ हरी मिर्च है ग्रीन चिली वो आँखों और हाथों के अलावा और कहाँ लगती है क्या चीज़ ग्रीन चिली जो होती है हरी मिर्च होती है वो आँखों हाथों के अलावा कहाँ लगती है वो कहीं भी लग सकती है कोई ऐसी बात हो तो बीवी को भी लग सकती है किसी को भी लग सकती है रिश्तेदारों को भी लग सकती है ना दोस्त को भी लग सकती है बिल्कुल लग सकती है और कहाँ लगती है सोचें अब इसका तो जवाब आप दे देना बताया तो है कि कहीं भी लग सकती है
वो तो लग सकती है, लेकिन कहाँ लगती है उसका बेसिक सोर्स कहाँ पे है? उसके अपने पौधे पे लगेगी वो। वाह, लगता है इस पौधे ने आपको जिता दिया है। अपने लिए क्लैपिंग करें। अपने लिए खुद ही करें। हाँ, खुद ही करें। क्लैपिंग खुद तो नहीं कर सकता ना। मैं कर देती हूँ। बहुत 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 सारे लोगों से बातें की है। यहाँ एक चिप्स वाले से भी पूछ लेते हैं कि उनके दिमाग की बत्ती कितनी ऑन है या सुबह से ऑफ ही चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, चिप्स बेचते बेचते दिमाग की बत्ती ऑफ तो नहीं हो गई आपकी? बस आजकल ऑफ ही होते हैं। ऑफ ही हो गई है। चले आपकी बत्ती ऑन करते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मजे का, ठीक है? जवाब देंगे? शर्मा क्यों रहे, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। कितनी शादियाँ हुई आप? एक। एक शादी हुई है, क्या ख्याल है? आपको पता है ना इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, तो क्या ख्याल है कितनी शादियाँ करेंगे और मजीद करेंगे? इंशाल्लाह 4 पूरा कर लेंगे। 4 पूरा कर लेंगे, एक तो हो गई है, 3 कोई सोचा है, कोई नज़र में है? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं है। 1-2 तो होगा कुछ नज़र में? नहीं कुछ नहीं है फिलहाल। कुछ तो है जो सोचा हुआ है आपने? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं है। ये इधर देख के मुझसे बात कीजिएगा ना, क्या सोचा है फिर? खैर फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। खान बाबा ये चिप्स बाद में निकाल लीजिएगा। नहीं नहीं भागते आपके कस्टमर? नहीं कस्टमर तो भागते। ये मजे का सवाल फिर नहीं किसी ने पूछना, बता दें। नहीं हो सकते सवाल। चले ठीक है, आप ना जवाब दें। मुझे लगता है अपनी बीवी से डर रहे हैं आप, ऐसा ही है? नहीं डरने वाली बात तो नहीं, पठान डरते नहीं कभी। पठान डरते नहीं है तो पठान फिर जम के जवाब तो देना कभी, सवाल के जवाब दिए। आप अभी से शर्मा रहे हैं। चले ठीक है, ये साहब तो डर रहे हैं, साथ साथ अपने चिप्स बेचने लगे हुए हैं। इनसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करते हैं और आपसे पूछते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में 2 दफ़ा मिलती है, 3री मरतबा ख़रीदनी पड़ती है? दांत। चिप्स तो नहीं है? दांत। ये तो आपने जवाब चोरी किया है। इन्होंने ना जवाब सुन लिया था, चोरी किया। इनसे दूसरा सवाल का जवाब पूछते हैं और फिर जानते हैं इनके दिमाग की बत्ती कितनी ऑन है। ये पठान है, ये पठान है, लेकिन ये चीटर भी हैं, आपको पता है। दूसरा सवाल ये है कि हरी मिर्च जो होती है वो आँखों, हाथों और मुंह के अलावा कहाँ लगती है? ये जवाब नहीं आता क्योंकि ये सुना ही नहीं है, है ना? हाँ बाबा बताना तो पड़ेगा तुझको। आते नहीं जवाब? आता है, सोचो। ये आलू कहाँ से लेके आते हो? मंडी से। मंडी से लेके आते हो? मंडी वाले कहाँ से लेके आते हैं? मंडी वाली बाहर से। मंडी वाले कहाँ से लेके आते हैं आपको पता तो होगा? वो बाहर भी पारी उसे लेके आते हैं। हाँ जी, जो काश कर रहे हैं उसे लेके आते हैं। सॉरी समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? जो काश कर रहे हैं उस। हाँ तो हरी मिर्च कहाँ से आती होगी आपके लिए? वो भी उधर से आते हैं। हाँ तो जवाब दे ना, आपको आते हैं। शर्मा क्यों रहे हैं? बीवियों वाला क्वेश्चन नहीं कर रही हान। चले ठीक है भाई, हान बाबा तो शर्मा रहे हैं, शादियों का भी नहीं सोच रहे हैं और जवाब भी नहीं दे रहे हैं, बीवी से डर भी रहे हैं और जवाब आते भी नहीं है। क्या नाम है आपका? अली। क्या करते हैं? बतीक का काम है। मैं बतीक का काम करते हैं। यहाँ पे क्या करने आए हैं? बच्चों को भाई ले। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे मामू का बच्चे हैं। आप मैरिड हैं? जी। अपनी बीवी को क्यों नहीं लेके आए? मैं इधर का रहायशी हूँ, मैं रहमान गार्डन का रहायशी हूँ, यहाँ पे हमारी बतीक है ग्रीन टाउन में। तो बीवी के हमरा नहीं आए? वो उधर है ना, फैमिली उधर है मेरी। चले आप मुझे बताइएगा, सवाल करती हूँ मैं आपसे, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, आपको भी पता है, कितनी शादियाँ करेंगे आप? एक ही बड़ी है। एक ही बड़ी है? डर के तो नहीं कह रहे? नहीं। डर के कह रहे हैं? डर के क्यों कहना? आपकी बीवी नहीं देख रही है? तो कोई बात नहीं, देख भी ले तो कोई मसला नहीं, बता दें। देख भी है, ख्याल है? नहीं। तंग आके कह रहे हैं? नहीं इस तरह का तो कोई ख्याल ही नहीं। एक ही बीवी से खुश हैं? जी। डन। माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, उनके साथ खुश हूँ मैं। मतलब बच्चों के साथ खुश हैं, बीवी के साथ गुजारा हो रहा है, कंप्रोमाइज? नहीं कंप्रोमाइज क्यों करना। मतलब आपका कहना है कि आप एक ही शादी से खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और आप खुश रहें। दिमाग की बत्ती ऑन है? ऑन है। क्वेश्चन करूं? जी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सिर्फ 2 बार मिलती है कुदरत की तरफ से? सवाल गौर से सुनिएगा, और 3री मर्तबा हमें खरीदनी पड़ती है। सोचें सोचें सोचें। आपको पता है? नहीं नहीं पता? नहीं। आपको? दांत। ओह, आप
आपकी तो दिमाग की बत्ती लगता है आपकी बीवी ने ऑफ की हुई है, तो बच्चों की ऑन है। वेरी गुड बेटा, अपने लिए क्लैपिंग करो। चलो वेरी गुड जी। इनके दिमाग की बत्ती तो ऑफ थी, लेकिन इनके जो सात बच्चे थे उनके दिमाग की बत्ती ऑन है। और जानते हैं लोगों से कि उनके दिमाग की बत्ती कितनी ऑन है, और उनसे पूछते हैं सवाल आपके जवाब बाद।